उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी जमीनों को कब्जे मुक्त कराने के लिए भले ही टास्क फोर्स टीम का गठन कर दिया हो, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सपा सरकार के दौरान जमीनों पर हुए कब्जे आज भी बरकरार हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर लिखा था कि प्रदेश में भाजपा सरकार आते ही भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी और गरीबों की जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। आज सरकार बने भी 8 महीने से ऊपर का समय निकल गया है, लेकिन जमीनों पर कब्जे जस के तस बने हुए हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के थाना मजोला क्षेत्र के मीरपुर मिलन बिहार के सामने आया, जहां के रहने वाले अरुण सैनी मुरादाबाद के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं, क्योंकि इनकी पुश्तैनी जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। अरुण सैनी का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर ब्रजपाल नाम के भूमाफिया ने अपने गैंग के साथ मिलकर कब्जा कर लिया है, और जब भी वह अपनी जमीन पर जाता है तो आरोपी पक्ष अपनी दबंगता दिखाते हुए मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। इस बारे में कई बार थाना मजोला में वह लिखित शिकायत भी कर चुका है, लेकिन मजोला पुलिस भी भूमाफियाओं से हमसाज हो गई है। मैं अरुण कुमार सैनी हूँ। मेरी मीरपुर मिलन बिहार में अपनी दादालाई संपत्ति है, जिसपे कि ब्रजपाल और उसके साथ ही भूमाफिया उसमें कब्जा करके बैठ गए हैं। जबरदस्ती उन्होंने उसकी बाउंड्री वाल कर ली है और उसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं। मैं सभी अधिकारियों के पास गया हूँ, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं थाना मझोला भी गया, मेरी रिपोर्ट भी मतलब अभी तक तहरीर भी कोई नहीं ली गई है, ना ही कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है मेरी। मैं सब जगह परेशान हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और मैं बहुत दुखी हुआ। मेरे बच्चे मेरे घर में परेशान है, मेरी माता जी के माइंड भी उनका डिस्टर्ब हो गया, वो भी उनके पागलपन सी बातें करती हैं, वो भी ऐसी करने लगी हैं, सबको इतने टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा। अब मैं क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आता। मैं भी थाना दिवस में गया तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाना दिवस में जो मुरादाबाद तहसील के जो पटवारी हैं मेरे हल्के के राजेंद्र सिंह पटवारी हैं, वो वहाँ बैठे, एस ओ साहब वहाँ बैठे, एस एच ओ हरीश जोशी वो वहाँ बैठे, और उन जो ब्रजपाल है उसका कोई मुंशी है कोई वकील का वो ही वहाँ बैठा, उनको चाय वाय पिलाई जा रही है। मुझे बुलाया भी नहीं उन्होंने थाना दिवस में, मुझसे ये भी नहीं पूछी भी तुम्हारी समस्या क्या है, जबकि डीएम साहब ने ये कहा था कि आप थाने पहुँचे, आपकी प्राथमिकी दर्ज होगी और आपको सुना जाएगा और आपके आपकी जो है बात का निस्तारण भी होगा, मगर वहाँ कोई निस्तारण नहीं है। कितनी जमीन है जमीन? मेरी जमीन जो है वैसे जो आरआई की रिपोर्ट के हिसाब से 650 वर्ग मीटर है, और वैसे तो मौके पर ज़्यादा है, उसने सबकी बाउंड्री वाल कर ली है और वो अपनी बताता है, और वहाँ वो बदमाशी करते हैं, हम वहाँ जमीन पे नहीं जा सकते, वहाँ पे जो तमंचे लेके वो लोग बैठते हैं। नहीं, फर्द है मेरे पास, दादा लाई है मेरे पास, फर्द है, फर्द में मेरा नाम है, वो उसका ही फायदा उठा रहा है, उसका भी नाम आ रहा है। उसके दादा ने अपनी संपत्ति बेच चुके हैं वो, और अपनी संपत्ति से भी अधिक उन्होंने बेच दी है। मैंने सारे पेपर कोर्ट में भी लगा रखे हैं, जबकि उन्होंने कोर्ट में स्टे लेने के लिए मुकदमा डाला हुआ है 479/17, उसमें जो उन्होंने स्टे के लिए डाल रखा है, मैंने वहाँ भी सारे डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं उसके, सारी जमीन के, और आरआई की रिपोर्ट भी मेरे पास है। और मैं धान की फसल काटने के लिए गया तो मेरे साथ में बदतमीजी की गई, एसओ साहब ने मुझे बदतमीज बोला मुझसे, एसएचओ मझोला मुरादाबाद, उन्होंने मेरे साथ में बदतमीजी करी गई चौकी से आके, जबकि चौकी से श्री मानचंद जी हैं चौकी इंचार्ज, उन्होंने चाबी मंगवा ली थी धान काटते समय, उनसे चाबी भी ले आए थे उनके सिपाही छीन के। शाम को एसओ साहब आए, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, उन्होंने कहा बोले तेरे पीछे मतलब गंदी गाली बकने के बक्के, उन्होंने कहा कि तेरे पीछे पट्टे मारेंगे साले तुझे अंदर। वो ब्रजपाल है, वो कुछ नहीं करता, भूमाफियों के साथ में रहता है, उसके साथ में 10-15 लोग हैं ये रहते हैं। हाँ, भूमाफियों से मिली हुई है पुलिस, वो मेरे को सपोर्ट ही नहीं करती, मेरी सुनती नहीं है, मुझे बदतमीजी करती है। वो मुझसे ये कहती है जिसकी फसल है उसको दे दी जाएगी और जिस तेरी जमीन नहीं है तुम इतना बड़ा टीका लगा दो। अब योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि वो बताइए, अब हम पूजा पार्टी आदमी, हम टीका लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो ये कहते हैं इतना बड़ा टीका लगा दो सालों भूमाफिया तुम लोग है, वो साहब ये एसएचओ मझोला कहते हैं। हाँ, उन्होंने मेरे साथ में करी बदतमीजी, बोले तुम भूमाफियाओं निकाले हैं, अभी भूमाफियों के लिए भी निकाले हैं, डीएम साहब को भी कहा गया कि मतलब लेखपाल के लिए भी ये करें वो करें, मगर यहाँ के जो नेता हैं वो सब सबकी मिली भगत चलती है, नीचे वाले सब जो है मिली भगत से काम चलता है। मेरी सुनवाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही बीजेपी की सरकार में, जबकि मैं बीजेपी को मानता हूँ, बीजेपी को ही वोट देता हूँ, फिर भी मुझे सपोर्ट नहीं करा रहा, ऐसा क्यों? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कम से कम सीएम तक, सीएम साहब तक पहुँचे, और मेरे ये अधिकारी जो हैं इन तक मेरी आवाज़ पहुँचे, जिससे मुझे इंसाफ मिले। अगर मेरी जमीन है तो मुझे मिलनी चाहिए बस।